हेलो, आई एम अभिषेक पटेल, सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे फीमेल महिलाओं को क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि हम जिम में जाएंगे, वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारी फिजिक मैन जैसी बन जाएगी। वैसे नहीं होता है। कोई भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, मगर आपको ऐसा है कि हैवी वेट लिफ्टिंग से आपके मसल बन जाएंगे या फिर आप ज्यादा एक्सेसिव कार्डियो करोगे तो आपके मसल लॉस हो जाएंगे। सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से करते हो तो कुछ गलत नहीं है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, कार्डियो भी कर सकते हो, मगर अगर आप फीमेल हो तो आपको कई चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका साइकिल टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे जितना हो आप जंपिंग वाली एक्सरसाइज ना करो तो बेटर रहेगा, जितना हो इन्वर्टेड एक्सरसाइज ना करो तो बेटर रहेगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कई चीजें ऐसी होती है कि प्रीनेटल मतलब प्री प्रेगनेंसी के टाइम पे आप वर्कआउट कर सकते हो, मगर कई कंडीशन में ऐसा होता है कि प्री प्रेगनेंसी टाइम में आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो। वो भी चीज आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस आप कर सकते हो। आजकल मैं देख रहा हूं तो महिलाओं को ज्यादातर बैक पेन, शोल्डर पेन और नी पेन की बहुत ही दिक्कत रहती है। वहां पर मेरी रिक्वेस्ट इतनी रहती है, जितनी भी महिलाएं हैं वो प्रॉपर स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ये दोनों एक्सरसाइज अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से बॉडी वेट एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से एनिमल फ्लो एक्सरसाइज करेंगे, ये सब एक्सरसाइज का मिक्सर बना के आप रूटीन वर्क उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये इंजरी से आप अपने बॉडी को दूर रख सकते हो, या फिर आपको इंजरी है तो आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक्सरसाइज से इंजरी बढ़ती है या इंजरी है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। आप उसका कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके भी वो इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो।